अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो अभी अभी आप लोगों ने वीडियो देखी है, अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए, तो बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है। मैं आज आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप भी इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक एप्लीकेशन है कॉइन मास्टर के नाम से, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप लोग उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये आप लोगों को एक बड़ा दायरा नज़र आ रहा है, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर तो आप लोग टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये वाला साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने ये वाला साइज़ जो है सिलेक्ट करना है। टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ये वाला साइज़ सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद जब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा फिर आप लोगों ने क्या करना है, या आपको एक मीडिया का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आप लोगों ने वीडियो बनाई है उसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये एक वीडियो है, ये देखिए मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, जो ओरिजिनल वीडियो है मेरी, ये एक ओरिजिनल वीडियो है। ये थी हमारी वीडियो। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ से उस पोजीशन को सिलेक्ट करना है जहाँ से आप जंप करके, ये देखें यहाँ से जंप किया और ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। यहाँ से क्या करना है, आप लोगों ने इसको रोक लेना है यहाँ पे। ये आप लोगों को एक साइन नज़र आ रहा है, ये देखें, ये इसको क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना है। ये इसकी एक पिक्चर जो है हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा फिर गैलरी में जाना है। सबसे पहले आप ये करें कि आपने गूगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है रिमूव बैकग्राउंड, डेटा कनेक्शन ऑन कर लेना है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड सर्च करना है। रिमूव बीजी के नाम से एक वेबसाइट जो आप लोगों को फर्स्ट पे शो हो जाएगी, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस तस्वीर को जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है उसको क्या करना है, यहाँ से इसमें अपलोड कर देना है, जिससे उस तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म हो गया, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारी गैलरी के अंदर ये पिक्चर जो है वो सेव हो चुकी है। अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, यहाँ से फिर कॉइन मास्टर पर जाता हूँ। कॉइन मास्टर पर जाने के बाद यहाँ से लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट पे मीडिया का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड, ये देखें इसको क्लिक करना है। इस तस्वीर को क्या करना है, सिलेक्ट करके जो पीछे आपकी वीडियो पर पिक्चर है उसके ऊपर बिल्कुल फिट कर देना है। दोबारा की के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने पहले इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक लेके जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर की जरब ले जाना है। ये देखिए, अब मैं दोबारा इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखें, ठीक है, आधा काम हमारा हो गया। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है, यहाँ से जो आगे वाली वीडियो है उसको आप लोगों ने क्या करना है, कैंची के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखें, यहाँ दोबारा फिर जहाँ पे कोई भी पीछे नज़र नहीं आ रहा आपने क्या करना है, इस दोबारा कैंची के ऊपर क्लिक करके ट्रिम टूल लेफ्ट प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा उतना हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है। और दोबारा मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, ये देखें, ये देखें,
यहाँ से उसको क्या करना है, कट कर देना है। कैंची के निशान के ऊपर क्लिक करके उसके बाद ट्रिम टू राइट प्लेहेड पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो कट होगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे इसके। ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा। ये देखें लेयर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिर कैंची के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ। ये देखें दोबारा प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए अब इसकी स्पीड जो है वो स्लो है, इसको थोड़ा सा जो नीचे वाले लेयर है इसको थोड़ा सा क्लोज करता हूँ मैं, इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। ये देखें तो ये जी हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ से मैं इस वीडियो को सेव कर लूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।